नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पिछले दिनों विधानसभा के 5 विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के बाद जो चीजें सामने आई उसके बाद से न सिर्फ बिहार, देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली, बिहार में भी काफी कुछ बदला। कांग्रेस हार गई और उसके कारण जो है उसका असर इंडिया गठबंधन पर भी देखने को मिला और इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित हुई। स्थगित होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस मायने में कि अपने सहयोगी दल नाराज दिख रहे हैं। जेडीयू ने तो खुलकर कह दिया कि कहीं ने अपने सहयोगियों को साथ में नहीं लिया और विश्वास में लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बिहार की भी कैसी राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी या फिर बदल रही है, उसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले जो 5 राज्यों के परिणाम आए और उस परिणाम में कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस ने भी नहीं की थी। ओवरऑल तरीके से देखे तो आप कांग्रेस के इस पूरे परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? 5 राज्यों में अगर 2 राज्य को हम लोग किनारे कर दें, दक्षिण का तेलंगाना जी जी और मिजोरम, जहां MNF के जगह पर ZPM इस बार सत्ता में आ गई है जी, तो तेलंगाना में तो सफलता मिली कांग्रेस को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वही युवा और वही महिला जो इन 3 हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी दिखी, वही लोगों ने उन्हें तेलंगाना में जीत दिलाई। लेकिन हाँ, हिंदी पट्टी के जो ये 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस इस तरह से हारे जी। अब ठीक है, इनके साथ जो गठबंधन के साथी हैं, वो गठबंधन के साथी अपने तरीके से अपना अपना तर्क दे रहे हैं कि गठबंधन की मदद इन्होंने नहीं ली और अगर गठबंधन को ये भाव दिए होते। अब ये तो चीजें पब्लिक डोमेन में है। 6 सीटें जो बुंदेलखंड, बंगेलखंड का जो इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सटा हुआ इलाका है, वो इलाके में समाजवादी पार्टी को शायद कांग्रेस से श्योर की थी कि हाँ, हम आपको 6 सीटें देंगे। और बाद में यही कमलनाथ ने जो शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, ये अखिलेश वखिलेश क्या है, कौन है, तो गठबंधन के लिए तो कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है कि ये 6 सीटें कांग्रेस अगर इन्हें दे भी देती तब भी कोई परिणाम हो सकता है कि इनके पक्ष में नहीं होता। लेकिन इतनी बात तो तय है ना कि कांग्रेस पर जो आज हमलावर है, ये जो गठबंधन के इनके अपने ही गठबंधन के साथ ही, शायद इनको हमला करने का मौका नहीं मिलता। जेडीयू शायद 2 सीटों की बात वो कर रही थी कि हमें 2 सीट लड़ने के लिए दे दीजिए मध्य प्रदेश जी जी। बाद में फटे आकर के 1 सीट पर हो गई कि जो हमारा MP का जो प्रेसिडेंट है उनको आप लड़ा दीजिए, साझा उम्मीदवार बना के लड़ा दीजिए, और कांग्रेस शायद उस पर भी नहीं तैयार हुई। और जेडीयू वहां जाकर के चुनाव लड़ती है, 10 उम्मीदवार देती है, ठीक है 1 उम्मीदवार तो इनके भाग खड़े होते हैं, लेकिन 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो सब कुछ सहज तो नहीं था, गठबंधन के साथियों को आपने भाव नहीं दिया, परिणाम आपके हिस्से में नहीं आए, तो जो इनका खून, इनके गुस्से, इनके जो आपके प्रति जो एक भाव, अब अखिलेश जी ने जो बयान दिया, अब क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए, उस वक्त इस्तेमाल किया जब आप 3 राज्य के चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे थे, चुनौती दे रहे थे भाजपा को, ठीक है कल परिणाम क्या आया वो अलग बात है, लेकिन उसी समय धोखेबाज से लेके चिरकुट सारे शब्दों का इस्तेमाल आप ही के गठबंधन के साथ ही कर दिए। अखिलेश जी ने यहां तक कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर नहीं भी आएगी तो हम भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। अब आपके सवाल पर मैं आता हूं, जो आपने कहा 6 दिसंबर की जो बैठक थी वो पूर्व निर्धारित थी कि 6 दिसंबर को सारे जो हैं गठबंधन के साथ ही बैठेंगे। कल ही ममता बनर्जी जी का बयान आ गया, मुझे तो नहीं पता है कि 6 दिसंबर को कोई बैठक होने वाली है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं तो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हूं और मैं तो उस गठबंधन के बैठक में नहीं जा रही हूं, मुझे पता भी नहीं है, मुझे कोई निमंत्रण भी नहीं मिला है। आज विजय चौधरी जी की जो उदासीनता थी वो दिखी पार्टी की तरफ से जी। कि नहीं नहीं ये इस तरह की बैठक तो चलते रहती है, मुझे क्या है। अखिलेश जी ने कहा कि मैं भी उस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। तो भाई जिनके साथ आप गठबंधन बना करके एक मजबूत विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं
अगर वही ठीक है वो क्षेत्रीय पार्टी ही है, अपने अपने राज्यों में ही उनकी ताकत है, फिर भी अगर वो उदासीन है, नाराज है, आपके प्रति उनके मन में इस तरह के गुस्से हैं, तो ये तो निर्भर करता है कांग्रेस पर कि शायद कांग्रेस अब फिर से एक बार इनको मना पाएगी, नहीं मना पाएगी, एकजुट कर पाएगी, अगली बैठक की तारीख के पहले फिर एक पहल होगी नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में एक दूरी तो दिख रही है, एक उदासीनता दिख रही है, एक गुस्सा और आक्रोश भी दिख रहा है। और आज अशोक चौधरी जी ने तो कहा भी कि कांग्रेस चाहती थी कि हम अगर इन तीन राज्यों में बेहतर करें तो हम बार्गेन ज्यादा से ज्यादा कर सके। भाई अपने साथियों के लिए ये बार्गेनिंग का शब्द, अपने साथियों के लिए अखिलेश जी के द्वारा धोखेबाज का शब्द, अपने साथियों के लिए चिरकुट का शब्द, अपने साथियों के लिए और कौन कौन शब्दों से नवाजा जा रहा है, तो लग तो नहीं रहा है कि सब कुछ सहज है। संजय जी, क्या ऐसी बात थी कि आप एक गठबंधन में है, आपके तमाम सहयोगी दल है आपके साथ हैं और आपके पीछे आकर अब खड़े हो गए इंडिया गठबंधन में, और उन सहयोगियों को छोड़कर विधानसभा में जाना, किसी से राय मशविरा नहीं करना, इवन यहां तक कि गठबंधन में सीट शेयरिंग और आगे की तमाम बातचीत को भी इस बात पे रोकना कि जब तक पांच राज्यों के चुनाव नहीं आ जाएंगे हम कोई बात नहीं करेंगे, कांग्रेस को किस बात की ऐसी खुशफहमी थी, क्या गलत फहमी थी जिसकी वजह से इस समय तक और ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? देखिए, अगर पटना की बैठक जो हुई थी और पटना से मुंबई जाते जाते कांग्रेस जो है वो जिस अंदाज में बातें करने लगी, उसके दो कारण मुझे समझ में आता है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है जी, कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीतती है, और इसके बाद वो कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। कुछ लोग तो इसके लिए एरोगेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ जाती है, और उनको लगता है कि राजस्थान में इन क्षेत्रीय पार्टियों का क्या काम जब हम अपने बूते वहां सरकार बनाते हैं। उनको लगा कि मध्य प्रदेश में पिछली बार भी हम जीत गए थे, ठीक है बाद में भाजपा वहां सरकार बनाने में, हमारी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन तो हमारी है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत थी कि भूपेश बघेल का ही चलेगा, भूपेश बघेल के सामने किसी का कोई ये नहीं है, तो फिर हम क्षेत्रीय पार्टियों को क्यों भाव दें। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, सत्ता और सत्ता की ताकत कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ला देता है। राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अगर गठबंधन है तो गठबंधन के साथियों की बात सुननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है नीतीश कुमार जी वाम मोर्चे के मंच पर जाते हैं और क्या बोल जाते हैं, भाई कैसा गठबंधन की पटकथा लिखी जा रही है जिसमें अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है। और जब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फोन उनके पास आता है। आखिर गठबंधन के साथियों को ऐसा क्यों लगने लगता है कि कांग्रेस हमें भाव नहीं दे रही है? इसलिए कि किसी भी तरह से ठीक है आपके लोग लगे हुए थे चुनाव, लेकिन क्या इतना वक्त भी नहीं था कि फोन के साथ संवाद कर लेते? आखिर बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति कांग्रेस क्यों कर दी थी? इसके एकमात्र कारण थे कि अगर तीन राज्यों में कांग्रेस जीतती या दो राज्यों में भी जीतती तो अपने तरीके से बार्गेन करती। केसी त्यागी जी बार बार आके कहते हैं ना कि 450 सीटों को हमने लोकसभा का चिन्हित कर लिया है, हम हर एक भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ एक सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को हराएगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी तय हो जाएगा। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि अगर ये चुनाव परिणाम खास करके हिंदी पट्टी के तीन राज्यों का, ये अगर दो का भी परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग करेंगे। और क्षेत्रीय पार्टियां यही कह रही थी कि जब गठबंधन में हम लोग आ गए हैं तो सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, ठीक है थोड़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी कि सीट शेयरिंग में आप अधिक रखेंगे हम अधिक रखेंगे। लेकिन शायद कांग्रेस इन तीन राज्यों के चुनाव परिणाम में जरूर इतना आत्मविश्वास में थी कि परिणाम हमारे हिस्से में आएगा और तब हम ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में होंगे, इस वजह से ये स्थितियां देखने को मिली। संजय जी, आपने वाम दल की मीटिंग की बात कही जिसमें नीतीश जी की कहीं ना कहीं नाराजगी या तकलीफ जिसको बोले कि वो सामने आई,
ये भी सही है कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी, सभी दलों को हर राज्य में जाकर उन्होंने जोड़ा। पटना की बैठक हुई और जैसा कि आपने कहा कि पटना की बैठक से निकलते निकलते कांग्रेस के सुर बदल गए और ऑब्वियस है कि इंडिया गठबंधन में वो ड्राइंग सीट पर कांग्रेस आ गई। ये टीस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगी, तकलीफ उनको लगी, बावजूद इनके वो बैंगलोर या फिर मुंबई की मीटिंग तक वो शामिल होते रहे, लेकिन जिस तरह से उसे रोका, ये एक तकलीफ तो नीतीश कुमार को ये है। नहीं, स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ कभी आने के लिए तैयार थे क्या? जी, उन्होंने तो कहा कि भाई हम दिल्ली से जीतते हुए पंजाब चले गए, हमको दीजिए जिम्मेवारी और हम जो है वो भाजपा को पराजित कर देंगे। ये पहल नीतीश कुमार जी की थी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तैयार किया कि नहीं नहीं हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा, तभी हम भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे, क्या वो तैयार थे कांग्रेस के साथ जाने के लिए क्या? इसकी पहल भी नीतीश कुमार ने की। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार थी क्या? इसकी पहल भी नीतीश कुमार जी ने की। और आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन जब इन्होंने छोड़ा तो दिल्ली में घूम घूम करके हर लोगों के यहां जा करके और इन्होंने आग्रह किया कि एक बार बैठ तो लीजिए, हम लोग कांग्रेस भी बैठ ले, हम लोग भी बैठ ले और बैठ करके एक पटकथा लिखी जाए, एक मजबूत विपक्ष का आकार दिया जाए ताकि जनता को हम एक भरोसा दिला सके कि हाँ ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को कल सत्ता से बेदखल कर सकती है। और यही बात जेडीयू के लोग तो बार बार कहते थे कि सीटों की संख्या में बस इतना घटा देंगे तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो नीतीश कुमार जिन्होंने 15-16 दलों को एकजुट किया, हर वो दल जो कांग्रेस के साथ एक दूरी बनाए हुए थे, अपोजिट थे, लेकिन उन दलों को मनाने में, समझाने में, बैठाने में अगर नीतीश कुमार जी की यह भूमिका रही और उसी नीतीश कुमार जी को जब कांग्रेस किनारे कर दी, मैं तो कह रहा हूं ना कि उन्होंने 2 सीटें मांगी, नहीं मिला, 1 सीटें मांगी, वो भी कहा गया कि नहीं वो भी सीट नहीं देंगे। और यहां तक मुझे जानकारी है कि शायद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फोन पर बात करना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनका फोन नहीं उठाया। क्या इस संवादहीनता से अगर नाराजगी है जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को, तो लाजमी है कोई भी व्यक्ति नाराज होगा, कोई भी व्यक्ति के अंदर मन में होगा कि कांग्रेस अगर बहुत बड़ा अपने को समझ रही है तो ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर ही सही, हम क्यों उनके साथ पीछे पीछे खड़े रहेंगे, हम तय करेंगे चीजों को। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने भी भाव न दे करके या इस उम्मीद में कि कर्नाटका के बाद जब हम इन राज्यों में भी चुनाव जीतेंगे तो हम अपनी शर्तों पर फिर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर बात करेंगे, ये बातें क्षेत्रीय पार्टियों को नागवार गुजरी। और खास करके नीतीश कुमार जी जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने में, इसकी नींव रखने में, इसकी पटकथा लिखने में, इसके सूत्रधार बनने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस व्यक्ति को ही आपने किनारे कर दिया, संयोजक जैसी चीजें समाप्त हो गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बना दिया, वो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग थे वो कौन लोग थे सबको पता है, जो अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, जिनको निर्णय लेने के लिए जो उनके आला कमान है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बातें तो लग रही है कि न सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, न संयोजक पर बात हो रही है, न कोई एक चेहरे पर बात हो रही है जो कल प्राइम मिनिस्टर न सही लेकिन वो सीधे सीधे बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाए। ये कई कारण रहे जिसकी वजह से नाराजगी इनको हुई, नाराजगी दिखी और नाराजगी होना लाजमी भी था। संजय जी, अब परिस्थितियां तो जो है वो अब सामने है, अब जेडीयू नाराज है, नीतीश नाराज है, लालू जी चुप है, अब इंडिया गठबंधन की फिलहाल ये बैठक स्थगित है और जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, नेक्स्ट दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये बैठक आयोजित हो सकती है। क्या परिस्थिति बनेगी इंडिया गठबंधन की, कैसे कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और अब इस बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका कैसी होगी और लालू यादव की? देखिए, अभी तो भूमिका बची ही हुई है ना सब लोगों की, ये तो 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अरोगेंस दिखाया, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया,
तो कांग्रेस को तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, कांग्रेस को थोड़ा त्याग करनी पड़ेगी। और इन लोगों के पास भी मैं समझता हूं कि कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो। अब ये लालू प्रसाद जी जो कहने वाले थे कि भाई अगर भाजपा को सत्ता से किनारे करनी है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आनी होगी, जी छतरी के नीचे तो आए सब लोग, लेकिन अब वो छतरी केवल वो कांग्रेस कही कि हम अपने सर के ऊपर रखेंगे, बाकी लोग आप लोग किनारे हो जाइए। तो ऐसी स्थिति में तो हम नहीं समझते हैं कि कोई एक मजबूत विपक्ष का विकल्प ये लोग बन पाएंगे, या मजबूत विपक्ष का आकार ले पाएगा और वो दिखेगा जनता को, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा कि अगर उधर भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और मैजिक है, तो इधर भी एक मजबूत विपक्ष खड़ा है जो सीधे सीधे चुनौती देगा और कल उनको सत्ता से किनारे करेगा। तो मैं समझता हूं कि कुछ दिन के बाद, अभी तत्काल एक पीड़ा, एक दर्द, एक गुस्सा जो है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ठंडा होगा। लालू प्रसाद जी निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार जी को मनाने की बात हो, या ममता बनर्जी जी को समझाने की बात हो, या अखिलेश जी के साथ बैठ के सुलझाने की बात हो, जी कोशिश करेंगे। कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो इधर पहल करनी होगी, और हमको लगता है कि ये लोग पहल करेंगे। कांग्रेस भी कहेगी कि हाँ हमसे चीजें छूटी है, यहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए था, हमारे पास चीजें ठीक से नहीं पहुंच पाई, हम ठीक से आपके साथ संवाद नहीं कर पाए, या हमारे लोगों ने ठीक से इनको बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया। तो कुछ इस तरह से कर करके हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर ये लोग कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ जो पटना की बैठक में दिखी थी कि 15 पार्टियां और वो मुंबई जाते जाते पार्टियों की संख्या कितनी हो गई थी, ये सब लोगों ने देखा था। क्या वही रह पाएगा या उत्साह में कमी आएगी, ये तो वक्त बताएगा। जी संजय जी, आपने अभी जिक्र किया मोदी की गारंटी की, आपने भाषण पूरा सुना होगा जब नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर पूरा भाषण दे रहे थे, बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी की गारंटी। उन्होंने कई और मुद्दों का जिक्र किया, 4 जाति के बारे में उन्होंने बताई, महिला, युवा, किसान और गरीबी की एक जाति उन्होंने डिफाइंड की, कई और मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर भी वो गए। अब बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पास कास्ट सर्वे का एक मास्टर स्ट्रोक है, तो क्या अब बीजेपी के पास भी अपना ये मोदी की गारंटी, ये जो 4 जाति है, उसके अलावा हिंदुत्व और आने वाले दिनों में राम मंदिर का भी मुद्दा आएगा, वो इन सब यानी दोनों तरफ के मुद्दे ऑलमोस्ट तैयार हैं? देखिए, जाति वाला कार्ड तो चला नहीं है, राहुल गांधी जी ने तो सभाओं में कहा था बिहार ने, और जो यहाँ बातें हो रही थी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी ने तो एजेंडा सेट कर दिया। अगर जाति एजेंडा का हिस्सा होता और जिसको राहुल जी ने उस पीच पर खेलने की कोशिश की 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव में, वो एजेंडा तो चला नहीं, लोगों ने उसको नकार दिया और उसको डाइल्यूट किया नरेंद्र मोदी जी ने, ये कह के कि जाति तो दो है, गरीब और अमीर की जाति। बाद में उन्होंने कहा कि हाँ जाति है, लेकिन वो जाति गरीब की जाति है, महिला की जाति है, युवा की जाति है, किसान की जाति है। तो जाति को लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। और देखिए, अब यूथ एस्पिरेशनल हो गया, जब उसको आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, चिकित्सा नहीं दीजिएगा, तो हर एजेंडा हमेशा चलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जी और कोई एजेंडा या मिजाज, अगर बिहार का मिजाज जातियों के इर्द गिर्द है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मिजाज भी जाति से ही तय होता है, वो एजेंडा भी तय होगा। दूसरी चीज, आपको भी याद होगा, अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूंकि बहुत नजदीकी से चीजों को देखते रहते हैं, मंडल कमीशन की वजह से 400 सीट लाने वाली कांग्रेस को बेदखल नहीं किया गया था। बीपी सिंह ने उन पर बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगाया था और वो बात लोगों को कनेक्ट किया। यहां भी इन राज्यों में वही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप की बात की गई, वो घोटाला, वो करप्शन की बात लोगों को कनेक्ट किया। 13-13 पेपर लीक का मामला था राजस्थान में, वो युवाओं को अपील किया कि नहीं ये मामला है। आप देखे होंगे कि कर्नाटक में 40% कमीशन और पेटीएम चिपका करके कांग्रेस जो है वो भाजपा को सत्ता से बाहर कर दी थी। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं का रोजगार एक मुद्दा है,
किसानों का एमएसपी मुद्दा है, महिलाओं का सशक्तिकरण मुद्दा है, चाहे वो लाडली बहना का मामला हो या छत्तीसगढ़ में जो मातृशक्ति को जो ताकत देने की बात हो, जो उसकी योजना हो, महतारी योजना हो, ये सारी योजनाएं जो है अब ये कनेक्ट कर रही है। अब जाति और जातीय उन्माद और जातीय गणित और जातीय गणित पर जो राजनीति के जो रोटी सेकी जाती थी और उसको आकार दिया जाता था, शायद अब ये लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, जो इन राज्य के चुनाव के परिणामों से दिख रहा है। तो लगा कि ये नैरेटिव बिहार ने सेट कर दिया, अब ये विमर्श का विषय में जाति आ जाएगा पूरे देश में। और राहुल गांधी जी उसी पीच पर खेले, वो तो हर सभाओं में जहां भी गए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां बनती है तो हम यहां भी जातीय गणना कराएंगे, अगर जनता कनेक्ट होती तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती। लगता कि जाति गणना ही, जातीय अस्मिता ही, जातीय गौरव ही, जातीय गर्व ही हमें रोजगार दिलाएगा, सशक्तिकरण दिलाएगा, शिक्षा और चिकित्सा दिलाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा, तो लोग एकजुट होकर के वोट कर लेते। लेकिन शायद ये बातें कनेक्ट नहीं की, वहां पर मोदी की गारंटियां भारी पड़ी और मोदी ने इसको जातियों में ना बांट करके, और जो आपने कहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का वही तो ये है, वो हिंदू पोलराइजेशन की बात करना, राम मंदिर की बात करना, राष्ट्रभक्ति की बात करना, राष्ट्र प्रेम की बात करना, राष्ट्रीय अस्मिता की बात करना, राष्ट्रीय गौरव की बात करना, तो एक बड़े फलक पर, बड़े पीच पर खेलती है। और जब बड़े पीच पर वो खेलती है तो उसमें शायद जाति का मुद्दा उतना बड़ा नहीं रह जाता है, उसको लोगों ने किनारे किया। और हम नहीं समझते हैं कि एक बार लोकसभा के चुनाव में जहां आप सवाल को ले जाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि क्या जातीय पीच पर लोकसभा के चुनाव खेली जाएगी, जिस डिस्कोर्स को मेरा सवाल यही है संजय जी कि शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन वो जातवाद और कास्ट सर्वे का उतना प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन चूंकि बिहार में कास्ट सर्वे हुआ तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो क्या ये लोकसभा तक जाएगा, और ऐसे स्थिति में क्या बीजेपी हिंदू कार्ड या फिर राम मंदिर के मुद्दे से उसको काट करेगी? देखिए, एक मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा, हर अर्थमेटिक केमिस्ट्री नहीं बनती है। कुढ़नी का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था, तब तक महागठबंधन बन चुका था बिहार में, नीतीश कुमार जी एनडीए से निकल गए थे और वो आ गए थे आरजेडी के साथ, सात सात पार्टियों का गठबंधन था, जीतनराम मांझी भी इनके साथ थे उस समय। वो अर्थमेटिक में जो जातियों की संख्या थी, लग रहा था कि इन जातियों के सामने तो एनडीए कहीं टिकेगा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट टिकेगा ही नहीं, वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदल पाया। तो मैं बता रहा हूं कि अगर ओबीसी जातियों का वोट नहीं मिलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो क्या इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री होती क्या भारतीय जनता पार्टी का? तो जाति तो एक सच्चाई है, लेकिन जाति को हिंदुत्व पसंद है, जाति को राष्ट्रवाद पसंद है, कि जाति जो है वो जातिवाद पसंद है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि जातिवाद का लहर चल जाए, अगर जातिवाद का लहर नहीं चला तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात लोगों को कनेक्ट कर जाए, और बिहार में भी इसके बाद भी वो जो है एजेंडा उनका काम नहीं करे और परिणाम कुछ और हो जाए। तो ये स्पष्ट है बात कि जनता को कनेक्ट अगर ये जाति और जातीय गिनती नहीं करेगी, उनको लगेगा हमारे बच्चों के लिए नौकरियां कहाँ है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा क्या है। अब आपने भी तो उस दिन, मैं सुन रहा था, बहुत तरीके से आपने विश्लेषण किया कि जिस राज्य में 7% ग्रेजुएट हो, कल्पना कीजिए, चौथी पांचवीं पास की संख्या, पांचवीं आठवीं पास की संख्या, आठवीं दसवीं पास की संख्या, ड्रॉप आउट की संख्या, आश्चर्य लगता है। तो जाति सच्चाई तो लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे जब पढ़े ही हुए नहीं है, उनको नौकरी कहां से मिलेगी। तो अगर ये बात नहीं समझ पा रही है जनता, या जनता को अगर समझा दिया जाएगा तो फिर वो जनता मुद्दों पर बात करेगी, हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ना हमें हिंदुत्व चाहिए, ना हमें जातिवाद चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा की जो गारंटी देगा। और इस बार हुआ, तीन राज्य के चुनाव में आपने देखा होगा कि राजस्थान में ये बात करनी पड़ी कि अगर वो 500 में गैस का सिलेंडर देंगे तो हम, अगर हमारी सरकार बनी तो हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। तो लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी,
शिक्षा, पलायन, चिकित्सा, ये मुद्दा है। अब ये मुद्दा चलने वाला नहीं है, चल गया था कभी, एक ऐसा था, ऐसी स्थिति थी जिसमें कि लोगों को उस भावना की नाव पर चढ़ाया गया और लोग भी उस भावना में बह गए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, बार बार मैं कहता हूं, आज की महिला उसमें बंद कर करके और वो भावनात्मक तौर पर वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा को भी उस पीठ पर आना पड़ा ना, वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद से काम नहीं चला। मध्य प्रदेश की सभाओं में, राजस्थान की सभाओं में, छत्तीसगढ़ की सभाओं में उनकी गारंटियां देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो देख लीजिए, उनके भाषण के अंश देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो जनता के मौलिक सवाल हैं, उन मौलिक सवालों को अगर हम सत्ता में आए, और एक चीज जो आप भी इसको एनालिसिस कर रहे होंगे, एक मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए तो सारी जगहों पर जो सरकार बदली परफॉर्मेंस के आधार पर, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी परफॉर्म नहीं कर पाई, जनता ने बदल दी। छत्तीसगढ़ में सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई, बदल गई। तेलंगाना में केसीआर, कहा जा रहा था कि हैट्रिक लगाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाई, जनता बदल दी। आप मिजोरम में वो जो इतने दिनों से एमएनएफ था उसको परफॉर्म नहीं कर पाई, और मात्र 5 साल पहले बनी पार्टी जेडपीएम, जनता ने उनको सत्ता दे दी। मतलब अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जातिवाद, हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, उनकी भावनात्मक मुद्दों के साथ कनेक्ट कर करके वोट की फसल आप बहुत दिनों तक नहीं काट पाएंगे, मेरा मानना ये है। और जनता जो इस चुनाव में दिखाई उसको हमने भी महसूस किया और आपने भी महसूस किया होगा। जी, जाहिर सी बात है कि अब ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अब उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो जनता के बीच में जाएगी। अब राजनीतिक परिस्थिति आने वाले दिनों में कैसे बदलेगी, उस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल विस्तार से आपने इस पर चर्चा की संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।